में पहली बार यूपी जैसे बड़े राज्य की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के गुंडे, माफिया और बदमाशों को वार्निंग दे दी थी कि वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो उनके लिए दो ही जगह है, एक जेल और दूसरी जगह वो जाना नहीं चाहेंगे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर ले क्या होना है। योगी के इस चेतावनी को जिन बदमाशों और माफियाओं ने गंभीरता से लिया, उन्होंने गले में तख्ती डालकर थाने में सरेंडर करना ही बेहतर समझा। और जिन बदमाशों ने योगी की चेतावनी को हल्के में लिया, उन बदमाशों का क्या अंजाम हुआ, यह आप योगी सरकार के 66 महीने के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड देखकर समझ सकते हैं। मार्च साल 2017, यही वो दिन था जब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्य रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। साल 2017 में पहली बार सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार सूबे के गुंडे, माफियाओं और बदमाशों पर इस कदर कहर बनकर टूटी कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे एक से बढ़कर एक दिग्गज माफिया भी जेल की सलाखों के पीछे नजर आए। कानून व्यवस्था को लाइन पर लाने के लिए योगी सरकार ने जिस तरह से गुंडे बदमाशों के सिर पर तांडव किया, उसका असर ये रहा कि एक तरफ जहां गुंडे बदमाशों में पुलिस प्रशासन का खौफ पैदा हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के कामकाज से खुश होकर जनता जनार्दन ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी को जिताकर योगी को सत्ता में लेकर आ गई। बस फिर क्या था, सीएम योगी भी समझ गए कि कानून तोड़ने वालों को सबक सिखाने वाली उनकी सरकार के कामकाज को जनता का पूरा समर्थन है। यही वजह है कि दूसरी बार सत्ता में लौटे सीएम योगी की सरकार इस बार बुलडोजर की कार्रवाई को और भी तेज कर दिया, जिसका असर ये रहा कि पहले कार्यकाल के 60 महीने और दूसरे कार्यकाल के 6 महीने में योगी सरकार ने गुंडे बदमाशों के खिलाफ किस कदर ताबड़तोड़ कार्रवाई की, वो ये आंकड़े देखकर समझ सकते हैं। आगरा, 193 मामलों में 333 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। प्रयागराज, 181 मामलों में 331 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। बरेली, 301 मामलों में 218 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। गोरखपुर, 284 मामलों में 593 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। कानपुर, 216 मामलों में 348 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। लखनऊ, 577 मामलों में 470 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। मेरठ, 269 मामलों में 417 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। वाराणसी, 748 मामलों में 406 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। जोन वाइज आंकड़े के बाद बात करें कमिश्नरी के आंकड़ों की, तो लखनऊ, 34 मामलों में 589 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। वाराणसी, 33 मामलों में 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। गौतम बुद्ध नगर, 87 मामलों में 229 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। कानपुर, 14 मामलों में 792 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त।
आंकड़े बता रहे हैं योगी सरकार ने 66 महीने के अब तक के कार्यकाल में किस कदर ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए माफियाओं की संपत्तियां जब्त की थी। इन माफियाओं में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली भी शामिल हैं, जिनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चढ़ाने में योगी सरकार ने जरा भी संकोच नहीं किया। अतीक अहमद 959 करोड़, मुख्तार अंसारी 448 करोड़, देवेंद्र सिंह 111 करोड़, यशपाल तोमर 94 करोड़, दिलीप मिश्रा 32 करोड़, ध्रुव सिंह 20 करोड़, अनुपम दुबे 19.4 करोड़, सुनील राठी 12 करोड़, सुशील मूंछ 3.45 करोड़। इन जैसे एक से बढ़कर एक माफियाओं की करोड़ों की अवैध संपत्तियों को योगी सरकार ने जब्त किया। यानी इन 66 महीनों में योगी सरकार ने धुआंधार कार्रवाई के दौरान अपराधियों की 4000 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियों को जब्त कर लिया, जो बता रहा है योगी सरकार माफिया और अपराधियों पर किस कदर कहर बनकर टूट रही है। बहरहाल योगी सरकार जिस तरह से माफियाओं और बदमाशों की कमर तोड़ने में लगी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमने तो पहले ही दिन कहा था, हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। भाइयों बहनों, जीरो टॉलरेंस का मतलब यही था कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है, और अगर किसी ने प्रदेश के अंदर व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया है, तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी, और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी। और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती, कोई उसमें हम लगातार कार्य करते रहे। और भाइयों बहनों, हमें कोई संकोच नहीं हुआ। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर के चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय करने क्या होना है।